हाउ टू कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इन कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर सीमेंट सैंड और एग्रीगेट कितना लगता है वो हम कैसे निकालते हैं। जस्ट एक जैसे कि आपको निकालना है कॉलम बीम स्लैब के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉलम है बीम है स्लैब है उसके लिए आपको सीमेंट बजरपुर और गिट्टी आपको निकालना है जस्ट ओनली एक सेकेंड में, तो आप उस तरह से कैसे निकालोगे। जस्ट एक आपको बनाना होता है एक टेबल, टेबल की सहायता से आप बना सकते हो। तो सबसे पहले अगर आपका कॉलम है बीम है, अगर आपका ये आपका कोई भी सपोज़ कीजिए कोई भी ब्लॉक है या बीम है, तो इसमें कितना सीमेंट कितना सैंड कितना एग्रीगेट लगेगा। अगर आपकी ये स्लैब है, ठीक है, अगर आपकी ये स्लैब है तो इसमें कितना सीमेंट सैंड लगेगा। अगर आप इसकी थिकनेस मान लेते हैं 5 इंची है और ये आपका स्लैब है 10 फिट और 12 फिट की कोई स्लैब है, तो इसमें कितना सीमेंट लगेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा, आपकी लंबी लंबी क्वांटिटी में नहीं जाएंगे, जैसे कि आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा एक कॉलम के लिए कि कॉलम में कितना सीमेंट सैंड लगेगा। तो उसके लिए आपको सब सिंपल आपको निकालना है एक वॉल्यूम। अगर आप स्लैब की आसानी से वॉल्यूम निकाल पाएंगे कि कितना वॉल्यूम इसमें कंक्रीट लग रही है, अगर इसका भी आप निकाल पाएंगे कि इसमें आपकी कितनी कंक्रीट में कितना वॉल्यूम लग रही है, ठीक है, तो जस्ट आप आसानी से वॉल्यूम निकाल लेंगे तो आसानी से कितना सीमेंट सैंड लगता है। अगर इसके पास 10 क्यूबिक मीटर इसमें कंक्रीट लगता है तो आसानी से इसमें कितना सीमेंट लगता है कितना सैंड। तो इसमें हम कैसे निकालते हैं, तो सिंपल आपको सीमेंट अगर 10 क्यूबिक मीटर आपके सीमेंट लगा कंक्रीट लग रही है तो उसमें आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे कि 1:1:2 का रेशियो होता है, 1:2:2 रेशियो होता है, 1:2:4 का रेशियो होता है, फिर आपका 1:1:3 का रेशियो होता है। तो इसमें आपका सीमेंट होता है, इसमें सैंड होता है, एग्रीगेट लगता है। तो इन अगर इसमें हम जानेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर का, अगर आप आसानी से 1 क्यूबिक मीटर या फिर 1 क्यूबिक फीट के लिए आप आसानी से निकाल सकते हो कि कितना सीमेंट कितना सैंड लगता है, तो आसानी जितनी भी आपकी कंक्रीट लगती है तो उसमें आप आसानी से फाइंड आउट कर लोगे कितना इसमें कंक्रीट कितना इसमें सैंड लगता है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, जो बिल्डर होते हैं, जो आपका इंजीनियर होते हैं, वो आसानी से इसी तरह निकालते हैं। पहले हम जानेंगे कि 1 क्यूबिक मीटर में कितना कंक्रीट लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम सिंपल क्या करते हैं, पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, जैसे कि एक ये आपका बॉक्स होता है, तो इसमें अगर आपको कंक्रीट फिल करना है तो वो कितनी कंक्रीट कितना सीमेंट कितना सैंड कितना गिट्टी लगेगा, इस तरह से आप, ठीक है, तो इस तरह से निकाल सकते हो। तो इसकी अगर आपने 1 क्यूबिक फीट का निकाल लिया तो आप आसानी से स्लैब कॉलम बीम फुटिंग कितनी भी वॉल्यूम होती है तो उसका आप आसानी से निकाल सकते हो कि कितना इसमें सैंड कितना सीमेंट कितना गिट्टी आप उसमें लगता है। इसी तरह आपका मीटर क्यूब में होता है, इसी तरह आपका फिट क्यूब में। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, वेट वॉल्यूम। तो आपकी वेट वॉल्यूम क्या होती है, वेट वॉल्यूम वो होती है जिसमें आप कंक्रीट फिलअप करते हो, जैसे कॉलम है फुटिंग है वो कंक्रीट जिसमें आप डालते हो, जो कि वेट वॉल्यूम। और ड्राई वॉल्यूम वह होती है जिसमें आपका सीमेंट सैंड और गिट्टी वो अलग अलग मात्रा में मिक्स करके आप डालते हो और कंक्रीट करते हो, वो मिक्स करने से पहले जबकि सीमेंट सैंड और एग्रीगेट यह क्या होता है इसको मिक्स करते हो तो वो आपका ड्राई वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो जब हम ये 1 मीटर क्यूब होता है तो इसको हमें सिंपल गुना करना होता है 1.57, क्योंकि अगर 0.57% क्या होता है 0.57% ये जो कंक्रीट होती है, जो ये कंक्रीट में एक्स्ट्रा लगता है, मतलब ये ज़्यादा लगता है, ये क्वांटिटी हमारी ज़्यादा लगती है ड्राई वॉल्यूम में। अगर इसमें वेट वॉल्यूम जैसे कॉलम बीम भरते हैं तो उसमें हमारा इतना 1 क्यूबिक मीटर लगता है, ठीक है। तो इसको हम क्या हो जाता है, प्लस होता है जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं ड्राई वॉल्यूम में वेट वॉल्यूम को, तो 1 मीटर क्यूब हमारी कंक्रीट लगनी है पर लेकिन हमारा ड्राई वॉल्यूम होती है जैसे कि सीमेंट होता है सैंड होता है गिट्टी होता है। तो आपने देखा होगा गिट्टी जो होती है एग्रीगेट होता है उसमें थोड़ा वॉइड्स होते हैं, जगह जगह खाली होती है, तो उसको प्रॉपरली से फिलअप करने के लिए तो प्रॉपरली से उसके जो वॉइड्स होते हैं खाली जगह होती है स्पेस रहता है, तो उनको वॉइड्स एयर वॉइड्स को कम करने के लिए तो उसमें सीमेंट और सैंड वो प्रॉपरली से ज़्यादा लगता है इस तरह से, ठीक है। तो वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है। तो इसका जो रेशियो होता है हमारा M20, M15, M7.5, जैसे कि रेशियो ऑलमोस्ट कंक्रीट में आप देखा होगा आपने, ये रेशियो ऑलमोस्ट साइड पर यूज होता है। तो 1:1:3 का रेशियो होता है, 1:2:4 का रेशियो होता है, 1:4:8 का रेशियो यूज होता है। उसमें हम इसको सम करेंगे, सम का मतलब होता है उसको जोड़ करेंगे टोटल सम ये पार्ट्स को, जैसे कि हम 7.5 लेना हमें कंक्रीट ग्रेड ऑफ कंक्रीट लेना है, उसका जो रेशियो है 1:4:8 का रेशियो है, 1:4:8 का रेशियो है, इसको हम जब सम करेंगे तो 13 आता है, मतलब 13 पार्ट। तो 13 पार्ट हो जाते हैं, ये 13 पार्ट हो जाता है आपका कंक्रीट के अंदर। अगर सीमेंट आप सीमेंट लेना है, सीमेंट आपको लेना है 1 पार्ट, इतना हमने सीमेंट इसमें भर दिया, ठीक है, 1 पार्ट हमने इसका सीमेंट भरा, तो 4 पार्ट हमने यहाँ पर इसमें आपको 4 पार्ट, ये बराबर जितनी हाइट रहती है 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ये आपका 4 पार्ट हो जाता है आपका बदरपुर, और ये 8 पार्ट जो बचता है ये आपका गिट्टी बचता है। तो जब इनको मिक्स करके हम भरते हैं तो ड्राई वॉल्यूम में आपका ये कन्वर्ट हो जाता है।
उसके बाद हम क्वांटिटी निकालते हैं सीमेंट के लिए। तो सीमेंट के लिए क्वांटिटी निकालने के लिए जस्ट आपको क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन पार्ट। तो हमें सबसे पहले वन पार्ट की वॉल्यूम निकालनी पड़ेगी, तो कितना कॉन्क्रीट लगता है वन पार्ट में। तो आपके पास है ड्राई वॉल्यूम, तो सम ऑफ रेशियो, सम ऑफ रेशियो का मतलब करना है हमें, तो ये हमें इसका फॉर्मूला है। तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट हमें निकालना है, क्वांटिटी ऑफ सीमेंट का क्यों क्यों निकाला हमने, क्योंकि वन पार्ट है आपका सीमेंट और चार पार्ट है आपका बदरपुर और आठ पार्ट है आपका गिट्टी। तो जब हम टोटल पार्ट लेते हैं, जैसे कि 1.57 ये है आपका क्यूबिक फीट, तो क्यूबिक फीट इतना कंक्रीट लगेगा क्यूबिक फीट में, और टोटल 13 पार्ट है, तो हम वन पार्ट की आपके वॉल्यूम निकल जाती है 1.21 क्यूबिक फीट। तो 0.121 इतने क्यूबिक फीट लगेगा आपका सीमेंट एक क्यूबिक फीट को भरने के लिए, ठीक है। तो इतना आपका सीमेंट हो जाता है। उसके बाद हम निकालेंगे सीमेंट बैग। तो सीमेंट बैग निकालने के लिए इतना क्यूबिक फीट होता है आपका सीमेंट, क्यूबिक फीट है, तो एक बैग का जो वॉल्यूम होता है 1.226 होता है। जब हम इसको भाग कर लेते हैं तो वन बैग में होता है 1.226 क्यूबिक फीट, तो जब हम इसको भाग कर लेते हैं तो 0.098 या फिर 0.10 बैग निकल कर आ जाता है। तो इट्स मीन आपका 0.1 बैग लगने वाला है इतना रेशियो में, 1:4:8 के रेशियो में, ठीक है। तो इस तरह से आप सैंड निकाल लेंगे, सैंड की मात्रा निकाल लें, जैसे कि आपका ये वन पार्ट, आपका वन पार्ट में इतना वॉल्यूम है, तो सैंड की वॉल्यूम कितना है 4 पार्ट, तो ये आपका 4 पार्ट सीमेंट से 4 गुना है, तो ये आपका 0.84 क्यूबिक फीट हो जाता है। इसी तरह एग्रीगेट की हम मात्रा निकालते हैं, तो इतने पार्ट है आपका वन पार्ट आपका क्या है सीमेंट है, तो सीमेंट से हमारा 8 गुना लग रहा है गिट्टी, तो जब हम इसको गुना कर लेते हैं तो 0.96 क्यूबिक फीट आ जाता है, ठीक है। तो जब हमने इसको टोटल क्वांटिटी हम फाइंड आउट करते हैं तो वो कितना हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा 1:4:8 का रेशियो हो गया, और ये हमारा हो गया सीमेंट, और ये हो गया हमारा सैंड, और ये हो गया आपका एग्रीगेट, ठीक है। तो ये हमारा कितना निकलता है एक क्यूबिक फीट के अंदर, अगर आप कंक्रीट एक क्यूबिक फीट भर रहे तो उसमें निकलता है। तो सीमेंट हमने यहाँ पे निकाला था, अगर वॉल्यूम में निकाला तो ये लिख सकते हैं आप सीमेंट, हम क्योंकि आप मार्केट से परचेज करते हो तो बैग के करते हो, तो 0.10, तो 0.10 आपका क्या हुआ ये बैग हो गया, ये आपका ये इतने कट्टे सीमेंट लगेंगे। उसके बाद आप अगर सैंड की बात करते हैं तो 0.48, तो 0.48 या फिर आप उसको बोल सकते हो 0.50 CFT, तो मैं इसको ले लेता हूँ 0.50 CFT। तो उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे 0.96 या फिर 0.97, तो इसका मतलब आपको यहाँ पे ले लेते हो 0.10 क्यूबिक फीट, ठीक है। तो इतना आपका एग्रीगेट, इतना आपका बदरपुर लगने वाला है, इतना आपका सीमेंट लगने वाला है। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1:2:4 का रेशियो में, फिर 1:1:3 के रेशियो में, तो इनमें कितना सैंड लगता है, उसके बाद हमारा 1:1:2 के रेशियो में, तो इनमें कितना सीमेंट सैंड लगेगा। द सिंपल आपको वही इसी तरह से आपको निकालना है, जस्ट आपको टोटल सम कर देना है। यहाँ पे आपका सम हो जाता है 4, 2, 6, 1, 7, तो यहाँ पे आपका 7 हो जाता है, 3, 4, 5, 5.5 यहाँ पे आपका 5.5 हो जाता है, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 4 यहाँ पे आपका 4 हो जाता है, और वॉल्यूम होती है हमारे पास 1.54। सिंपल उसको आपको गुना भाग कर लेना, जैसे कि 1:2:4 का रेशियो निकालना है, 1:1:2 का निकालना है, जैसे 1:1:2 का निकालना है तो उसका कितना 2, 1, 3, 1, 4, तो इसको 4 से भाग कर लेना है, ठीक है। जितना भी आपका आता है तो वो आपका वन पार्ट आ जाता है, वन पार्ट मतलब एक हिस्सा आपका सीमेंट का लग रहा है, और आपका एक हिस्सा आपका बदरपुर का लग रहा है, और 2 हिस्से आपके गिट्टी के लग रहे हैं। तो इस तरह से आप आसानी से टेबल बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप आसानी से टेबल की मात्रा बना सकते हो इस तरह से, जैसे कि इसी तरह से टोटल जो मात्रा होती है इसी तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये हो रहा है आपका वन क्यूबिक फीट के लिए। उसके बाद इसी तरह आप निकाल सकते हो, जैसे कि 1:4:8 है, 1:2:4 का रेशियो है, फिर हमारा 1:1:3 का रेशियो है, या फिर 1:1:2 का रेशियो है, 1:1:2 का रेशियो है, तो उसमें कितना सीमेंट सैंड और एग्रीगेट लगने वाला है। इसी तरह आप यहाँ पे निकाल लेंगे इसका वॉल्यूम को, हमारा 1 m³ वॉल्यूम है, ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करते हैं तो इसको प्लस हो जाता है 0.57 हमारा एक्स्ट्रा लगने वाला है जो ड्राई वॉल्यूम होती है, तो 1.57 हमारा हो जाता है ड्राई वॉल्यूम। तो रेशियो हम जैसे कि रेशियो मतलब क्या है, कितना हम रेशियो कितना ले रहे हैं, कौन सी ग्रेड ऑफ कंक्रीट ले रहे हैं। तो आपसे कोई भी साइड पूछ सकता है कि आप स्लैब डाल रहे हो या फिर कॉलम कास्टिंग कर रहे हो
या फिर आप फुटिंग डाल रहे हो, तो उसमें कितना ग्रेड, कौन सी ग्रेड है कंक्रीट की, तो वहाँ पे आप आसानी से पूछ सकते हो, आप आसानी से वो को याद करना होगा। अगर आपको M20 है तो उसका जो रेशियो होता है 1.5-3 का रेशियो होता है, अगर M15 का रेशियो है तो उसमें 1:2-4 का रेशियो होता है, अगर M7.5 का रेशियो है तो उसमें 1:4-8 का रेशियो होता है, ठीक है। तो वही होता है हमारा M25, तो इसका जो रेशियो होता है 1:1:2 का रेशियो हो जाता है, और वहीं यहाँ पे हमारा M10 का रेशियो हो जाता है, हमारा 1:3:6 का रेशियो हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद हमारा श्रम, अगर असम की बात करते हैं टोटल जोड़ कितना हो जाता है, तो 3, 1.5 और 1, 4 हमारा 3, और जैसे 1, 1.5, 3 का रेशियो है। अगर हम कंक्रीट ले रहे हैं, M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट ऑलमोस्ट साइड पे यूज होता है, तो वो उसका जो सम होता है 5.5 होता है। तो अब हमें निकालना है सीमेंट की, तो सीमेंट का वॉल्यूम निकालने के लिए या फिर वन पार्ट हमें निकालने के लिए तो हम क्या करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास है 1.57, तो ये हमारा 1.57 है हमारा क्यूबिक मीटर, क्यूबिक फीट, क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो क्यूबिक मीटर, तो ये 1.57 है क्यूबिक मीटर, 1 क्यूबिक मीटर। अगर आपको 1 क्यूबिक मीटर, जैसे कि आपको अगर ये वाले जो कंक्रीट है इसको फिल करना है, जैसे 1 मीटर बाय 1 मीटर, 1 बाय 1 मीटर की इसकी वॉल्यूम है, अगर इसमें आपको सीमेंट सैंड और एग्रीगेट इसमें कास्टिंग करना है, तो इसका जो वॉल्यूम होगा ड्राई वॉल्यूम में, तो वो होगा वॉल्यूम आपकी 1.7 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 1.54 भी हो के लिया जाता है, 1.50 भी लिया जाता है, तो इस तरह से 1.7 तक हम ले लेते हैं। तो 1.57 आपका ये क्यूबिक मीटर हो जाता है, ये आपकी क्या है ड्राई वॉल्यूम, जिसको आपका सीमेंट सैंड और गिट्टी होता है ये अलग अलग मात्रा में होती है, ठीक है। तो इसी तरह हमें इसको प्लस करना होता है, तो वन पार्ट के लिए हमारा क्या है 1.57, और इसको भाग कर लेते हैं 5.5 से, तो वो आपका वन पार्ट आता है सीमेंट का, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था। तो इसी तरह आपका सीमेंट बैग के लिए हमने यहाँ पे क्यूबिक मीटर है, तो इसको वन, जैसे कि हमने यहाँ पे निकाला था अपने क्यूबिक मीटर के अंदर, तो जस्ट उपका जितना भी आपका सीमेंट आता है क्यूबिक मीटर में, तो क्यूबिक मीटर में आता है उसको आपको गुना करना होगा 28.8 बैग से, क्योंकि 1 क्यूबिक मीटर में होते हैं आपके 28.8 बैग। ये क्यों होते हैं, जैसे कि 1 क्यूबिक मीटर, जैसे कि आपका होता है 1 क्यूबिक मीटर में होता है आपका जो डेंसिटी होती है 1440 केजी होता है, और 1 केजी का जो सीमेंट होता है वो 50 केजी होता है, तो आपको बैग ही निकालने हैं, तो जस्ट इसको सिंपल आपको भाग करना है 5 × 10 × 8 = 40, ठीक है। तो हमारा हो जाता है 28.80 बैग्स, तो आपका ये इतने बैग्स हो जाते हैं किलोमीटर में, तो इसी तरह हमें निकाला जाता है। तो इस तरह से आप ये टेबल क्रिएट कर सकते हो, टेबल बना सकते हो कि 1:8 में कितना सीमेंट सैंड एग्रीगेट लग रहा है, अगर आपकी स्लैब है 10 क्यूबिक मीटर की स्लैब है, या फिर आपका 5 क्यूबिक मीटर का, या फिर 5 क्यूबिक फीट का कॉलम है, तो वहाँ पर जस्ट आपको गुना कर देना है सीमेंट सैंड और एग्रीगेट से। तो वॉल्यूम हमारे पास है 10 क्यूबिक मीटर, सीमेंट कितना लग रहा है क्यूबिक मीटर में, वो आपका 8.8 आ जाता है, जैसे कि 8.1 है, तो जैसे कि सैंड आपका कितना लग रहा है 10 क्यूबिक मीटर में, तो वो हमारा गुना कर लेते हैं, तो आपका टोटल ये आपका आ जाता है 2 मिनट में। तो इस तरह से आप टेबल आपका फाइंड आउट कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बने मसाला नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।